बच्चों कनेक्ट एड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस पाठ में हम निम्नलिखित विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर। पिछले अध्याय की कक्षाओं में और विश्लेषण से हमें इस बात का अभ्यास हुआ कि लोकतंत्र कैसा होता है। उन कथाओं में हमने कुछ सरकारों को लोकतांत्रिक कहा था और कुछ को अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक। हमने देखा कि इनमें से कुछ देशों की सरकारें औरों से भिन्न हैं। आइए अब इन कथाओं से हम कुछ सबक सीखें और कुछ और बुनियादी सवाल पूछें। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। ये अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इन न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना है कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या सही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े। इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा की। इनमें से कुछ शासन व्यवस्थाओं को हम लोकतंत्र कहते हैं, दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया है। क्या हम जिन्हें सरकारों लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज़ याद कर सकते हैं? पिनोशे के शासन से पहले और बाद का चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर का घाना, इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है? हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं? पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में अनुक्रमा के बाद वाले शासनकाल में इनमें से क्या अंतर है? इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में क्या क्या समानताएं हैं? हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं? इन्हीं बातों के आधार पर सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएँ लिखें। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसके अध्यापिका मैटिल्डा लिंगडो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगीं। मैरी मैडम, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। एक अध्याय तो किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा ठीक नहीं होता? लिख दो मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का प्रयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मैरी, फिर परिभाषा की जरूरत नहीं क्यों है? लिंग दो मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक भी कहती हैं। दिव्यांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए लोगों क्या और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? लिंग दो मैडम,
मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि बहुत नामी गिरमी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोश का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? लिंग दो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का ये भी बहुत उपयोगी तरीका है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से परिभाषा निकालना एकदम उचित नहीं होता है। शब्द का अर्थ हमेशा उसके मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है, समय और उपयोग के साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर को ही ले लो, कंप्यूटर शब्द गणना शब्द से बना है। कठिन गणना को आसान करने के लिए बनाया गया यंत्र कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर एक शक्तिशाली कैलकुलेटर है, लेकिन आज शायद ही कोई कंप्यूटर को गणना शब्द से उपयोग करता होगा। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने में, पढ़ने में, डिज़ाइन बनाने में, फिल्में देखने में और अन्य कार्य को करने के लिए किया जाता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन समय बीतने पर उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसे में किसी भी शब्द के मूल अर्थ पर ही निर्भर रहना सही नहीं है। मैरी, मैडम आपके कहने का मतलब है कि इसकी परिभाषा सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसकी परिभाषा करने के लिए इसके अर्थ पर गौर करना होगा। लिंग दो मैडम, एकदम सही, इसीलिए आओ अब यह काम कर डालें। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। यह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासन नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम अध्याय 4 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया ही हर चाहे सरकार चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना कहलवाना चाहती है। इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच में सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से बरतें, समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसकी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वह कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतंत्र चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसके प्रत्येक नागरिक को बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बांधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारियों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरण के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें।
पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 22 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बनवा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अगस्त 22 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस अवसर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भी भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराया गया। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तानी को लोकतंत्र ना कहने के लिए अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं हैं। वह अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई सांसद और सरकार होती है, पर असली सत्ता लोगों के हाथ में होती है, जिन्हें जनता नहीं चुनती। पिछले अध्याय में हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा। ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। चीन के सांसद को कवांगो रेमिन दाई बियाओ दाहुई कहते हैं। चीन की सांसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस सांसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 22-3 में हुए चुनाव के कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 193 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव किए जाते थे। देश में कभी भी फौज शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपने सांसद चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मेक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता।
चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वह चाहें तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 4 में और बातें करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियाद सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर बार एक नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 4 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे को 1998 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं हैं, पर वह चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है और उसकी जवाबदेही को कम किया है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। सरकार विरोधी प्रशासन और आंदोलनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है और पर सिर्फ शासक दल के विचार से ही प्रसारित होते हैं। अखबार स्वतंत्र है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ किए जाते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों में कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी और तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जोड़े अधिकार और जिम्मेदारियां सावधानी द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारियों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है।
अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को रेखांकित किया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हों और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों में नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? टंकिनी, लेकिन लिंगदो मैडम ने तो ये कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सब ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सब लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जेनी, हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रिबियांग, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी? जेनी, जो भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा ये है कि हम इसे शासन या सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, सांसद की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों। देश के हित में कुछ भी जरूरी हो, वह सब करने में सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश की गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग उसे अपने लिए और अपने परिवारों के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तो? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोई, ये ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हम आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। ज़रा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ ये है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र को जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ। भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह के काम किए हैं वैसा करने की ज़रूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना करने वाले स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सबसे शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप
आचरण करने के मामलों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती हैं और नहीं भी, और यह जब सरकार चलाने की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत है तो उनके लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर लोकतांत्रिक में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करने के फैसले होते हैं, बैठकर होती है। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों का गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के आगे लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज के लोगों के हितों और विचारों में अंतर होना है। भारत की तरह भारी भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यता अलग अलग है और जातियां भी जुदा जुदा। दुनिया को यह सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादातर एक समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से यह तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखों को है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद के इसके लिए जवाबदेही होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदलने या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चलिए इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जितना अनुभव है। क्या अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है? इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल होता है तब भी इनमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा।
लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिस देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है और ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल सकती, जिससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे वह शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब से हमें लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूप की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना ज़रूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के मध्य में शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग के साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इससे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए।
यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब करने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसके लिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ से जुड़े प्रश्न। लोकतंत्र क्या है? क्या लोकतंत्र की कोई खास परिभाषा है? चीन में पड़े अकाल का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी प्रकार से सहयोगी हो सकती थी? आपके मत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहाँ तक सही है? लोकतंत्र को एक छोटे से वाक्य लोगों के लिए लोगों का और लोगों के द्वारा से समझा जा सकता है, परंतु लोकतंत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोक अर्थात लोग और तंत्र अर्थात कार्य। शाब्दिक अर्थ के अनुसार लोगों के द्वारा किया गया कार्य अर्थात जो शासन व्यवस्था लोगों द्वारा चुनी जाती है लोगों की भलाई और कार्यपूर्ति के लिए, उसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। चीन में पड़े अकाल का सबसे मुख्य कारण था कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के कई लोग भुखमरी से मारे गए। इसका एक ही कारण था कि वहाँ के सरकार पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था और किसी बात का प्रभाव नहीं था। उन्हें अपने देश की जनता की फिक्र नहीं थी। हाँ, इस मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुत प्रकार से सहयोगी साबित होता है। जिस वक्त चीन में ये घटना घटी थी उस वक्त भारत के हालात भी कुछ खास नहीं थे, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण यहाँ कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई। सरकार को विपक्षी दलों द्वारा विशेष टिप्पणी से भय रहता था लोगों को देने के लिए, उनकी जवाबदेही होती है। यही कारण है कि उन्हें दिखावे में ही लोगों के फायदे की बात सोचनी होती है। मेरे ख्याल से लोकतंत्र शासन व्यवस्था हर तरह से सही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य राजनीतिक शासन व्यवस्था से हर प्रकार उत्तम है। इसमें जनता को अपनी इच्छा अनुसार वैकल्पिक शासकों में से उचित शासक को चुनने का अवसर मिलता है जो उनकी भलाई कर सके, और शासकों को भी अपनी की हुई गलती को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।